अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक में मुझे बोलने का मौका दिया। अभी हमारे साथी ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये जो कांग्रेस की पॉलिसी थी तब तो इस वक्त उस वक्त अपोज कर रहे थे और आज सपोर्ट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक डॉक्यूमेंट लेके आया हूं, उससे पढ़ना चाहता हूं। कह रहा है, डॉक्यूमेंट कह रहा है कि इन द नेम ऑफ रिफॉर्म द गवर्नमेंट हैज इन फैक्ट कॉम्प्रोमाइज द लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट विच इज श्योर टू हैव फार रीचिंग इंप्लीकेशंस ऑन आवर इकोनॉमी। इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से दैट इन ऑर्डर टू शो दैट द गवर्नमेंट इज नॉट इन द ग्रिप ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस द गवर्नमेंट हैज बकल्ड अंडर फॉरेन प्रेशर। The decision is sure to have its impact on millions of small traders who are going to lose their jobs. At the same time, the manufacturing sector will also be hurt, creating a new economic crisis in the country. It is very unfortunate to see that the government neither bothered to contact its coalition partners on the issue nor took a position into confidence. Ye document kya hai? ये बीजेपी का डॉक्यूमेंट है जो कि कांग्रेस के जमाने में एफडीआई के अगेंस्ट छापा था, लेकिन ये पूरे का पूरा पैराग्राफ आज उन्हीं के ऊपर लागू हो रहा है। तो जो कल खराब था आज अच्छा कैसे हो गया? जैसा आपने इसके अंदर कहा कि चूंकि गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं ला पा रही है, गवर्नमेंट देश के अच्छे दिन नहीं ला पा रही है, इसीलिए आपने फॉरेन प्रेशर्स के आगे, फॉरेन कंपनीज के आगे सरेंडर कर दिया, अब आपको बेच दिया। अब आपको लग रहा है जो फॉरेन से पैसा आएगा, जो फॉरेन के दुकानों में जो चकमकाहट होगी, उस चकमकाहट से देश को लगेगा कि हां अच्छे दिन आ गए। ये जो आपने नई तरीका अपनाया, जिन कारणों से और जिन ग्राउंड्स के ऊपर आपने कांग्रेस को कहा था कि भाई एफडीआई देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करेगी जो बगैर देश को फॉरेन पावर्स को सौंपे फॉरेन पावर्स को सौंप देगी। अध्यक्ष महोदय, आज से करीब 100 साल पहले जो लॉर्ड मैकॉले ने हिंदुस्तान के एजुकेशन में परिवर्तन किया था, तो हम सब ने कहा था और आज भी हम सब कहते हैं कि भले ही देश से अंग्रेज चले गए हों, लेकिन अंग्रेजों वाली शिक्षा आज भी है। तो वो दास्ता जिसके विरोध में भाजपा रही है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, आज ऐसा क्या देख लिया जिससे कि माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि भैया बगैर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के देश के अंदर विकास नहीं हो पाएगा, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं। डिफेंस के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, सिविल एविएशन के अंदर 100% एफडीआई, रिटेल के अंदर 100% एफडीआई। माननीय मोदी जी ने 2012 में एक ट्वीट किया, उसमें कहा कांग्रेस इज गिविंग नेशन टू फॉरनर्स, मोस्ट पार्टीज अपोज्ड एफडीआई बट ड्यू टू सोर्ड ऑफ सीबीआई सम डिड नॉट वोट एंड कांग्रेस वन थ्रू बैकडोर। आज ऐसा क्या हो गया? आज भी क्या आपने सीबीआई का तलवार दिखा करके बाकी पार्टियों से साइन करवा लिया? माननीय अरुण जेटली जी जो आज रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा विल अपोज दैट टाइम इन मार्च 2013 विल अपोज एफडीआई टिल माई लास्ट ब्रेथ। अध्यक्ष महोदय, कह रही थी अलका जी कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि हम राजी नहीं है इससे, इनका बड़ा नौटंकी है ये। रामदेव जी राजी नहीं है, मोहन भागवत भी राजी नहीं है, सरकार चल रही है। सरकार के अंदर, मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार के अंदर एक भी चीज नहीं होता जो आरएसएस मना कर दे। आरएसएस वाली सरकार ये, इसके अंदर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कहता था कि हम राष्ट्रभक्त हैं, अचानक देश के बेचने की नीति के ऊपर जो मोदी जी ने फैसला लिया है उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है।
रक्ष महोदय, आज रोटी भी उसमें भी 100% विदेशी इन्वेस्टमेंट, कपड़ा भी उसमें भी 100% विदेशी इन्वेस्टमेंट, मकान के अंदर भी 100% विदेशी इन्वेस्टमेंट, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के अंदर भी 100% विदेशी इन्वेस्टमेंट। अब जो न्यूज के ऊपर जो कुछ भी दिखाया जाएगा, अब इनकी दोस्ती बड़े बड़े लोगों से हो गई है, झूला झूलते हैं चाइना के प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो कह दिया होगा चलो भैया आ जाओ कोई बात नहीं। लेकिन ये दुखद है कि आपने, और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की नीति भी ठीक नहीं थी, आपने बगैर तैयारी की, आपने जो माहौल देश के अंदर पैदा किया, जो हमारे रिटेलर्स हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, आप उनको तैयार करें ना कि दुनिया के कंपनियों को कंपीट कर सकें, आपने बगैर उनको तैयार किए ऐसे मगरमच्छों के आगे छोड़ दिया है कि वो मगरमच्छ खा जाएंगे। और जब देश का रोटी भी सप्लाई करेगा फॉरेनर, जब देश का हल्दी भी सप्लाई करेगा फॉरेनर, जब देश का चावल रोटी कपड़ा मकान सब कुछ करेगा फॉरेनर, तो देश में आजादी रह का गई, ये कैसा राष्ट्रभक्ति है, ये कैसा राष्ट्रवाद है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो FDI के होने के बाद जो रिटर्न्स होगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उस सारा का सारा इन्वेस्टमेंट देश के बाहर जाएगा। और साथ में उन्होंने ये कह दिया जो सारा रिटर्न आएगा, जो पैसा बनेगा उसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, सारा रिटर्न इन्वेस्टमेंट के ऊपर देश के बाहर जाएगा, तो देश की अर्थव्यवस्था जो चरमराएगी। तो कह दीजिए भाई साहब कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचा है, एक आप बेच दो, तो इनडायरेक्ट तरीके से राष्ट्रवाद के छद्म राष्ट्रवाद के आड़ में आप देश को फॉरेन ताकतों को बेच रहे हो। और क्या इसीलिए आपने 3,000 करोड़ रुपया देश का खराब किया विदेशों की यात्राओं पे, कि आपने उन ताकतों से कंप्रोमाइज कर लिया कि भाई अब देखो मैं देश का सबसे पावरफुल आदमी हूं, और हमारे जुमलों के कारण देश की जनता गुमराह होकर के राज्य के बाद राज्य देती जा रही है, भले उसमें EBM का सारा खेल हो, लेकिन आपने इस ये बात बताया है विदेशी ताकतों को, और इसके जरिए आप देश को फॉरेन ताकतों को सौंप रहे हो। अध्यक्ष महोदय, यहां तक की ख्याल नहीं किया भाई, अगर जिस किसी इंडस्ट्री को हम 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट का परमिशन दे रहे हैं, तो जो लोकल रिस्ट्रिक्शंस थे कि भाई इतने लोगों को जॉब देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स इनसे लेना पड़ेगा, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दिया आपने, तो आप कर क्या रहे हैं? ये कौन सी देशभक्ति है और कहां से देशभक्ति है? रक्ष महोदय, माननीय अरुण जेटली साहब ने एक कोटेशन दिया था, और मुझे समझ में नहीं आता कि जब ये अपने इतने गहरे विचारों को उस वक्त देश को बताने का ये प्रयास किया कि भाई राष्ट्र भक्त हम ही हैं, हम ही देश को बचाएंगे, एक बार ताकत तो दो। कहा क्या उस वक्त, क्या कहा था, और आज ये कैसे लागू नहीं होता, आज किन कारणों से ये उनके वक्तव्य क्यों नहीं उस पर सरकार अमल कर रही है? उन्होंने कहा था FDI इन रिटेल विल कंसोलिडेट द रिटेल मार्केट एंड एंड यूजर इंटरेस्ट इन द फर्स्ट 12 ईयर्स ऑफ ओपनिंग रिटेल फॉर FDI थाईलैंड हैड विटनेस 38% ऑफ कंज्यूमर मार्केट कंसोलिडेट इन फेवर ऑफ 3 लार्ज रिटेलर्स। आज क्या होगा? तो क्या वो कारण आज लागू नहीं होते? अध्यक्ष महोदय, नरेंद्र मोदी जी ने तब एक और स्टेटमेंट दिया, कहा आई वॉन्ट टू आस्क समाजवादी पार्टी एंड BSP लीडर्स इफ दे ऑनेस्टली अपोज FDI इन डिटेल देन दे शुड इमीडिएटली विड्रॉ देयर सपोर्ट लाइक ममता बनर्जी डिड। वो कहना चाह रहे हैं कि जो CBI का तोता तुम्हारे पीछे लगाया, क्या उन कारणों से आपने FDI को सपोर्ट कर दिया और उस वक्त कह दिया, और इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतना बड़ा एलिगेशन लगाया कांग्रेस सरकार के ऊपर कि गवर्नमेंट UPA गवर्नमेंट ऑफ फॉरनर्स बाय द फॉरनर्स एंड फॉर द फॉरनर्स। आई डोंट नो व्हाट PM इज डूइंग, स्मॉल बिजनेसमैन विल बी फोर्स्ड टू डाउन देयर शटर्स नाउ। रक्ष महोदय,
अब इनकी नीतियों से मालूम पड़ रहा है कि ये आए थे फार्मर्स के नाम पे और सेवा करने में लग गए फॉरेनर्स को। तो फार्मर्स नहीं, आज इनके इनकी इनके पॉलिसी की का बेनिफिशियरी फॉरेनर्स है, फार्मर्स नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये जो FDI जो दो रूट से आती है, एक तो आपका ऑटोमेटिक रूट से, दूसरा रूट गवर्नमेंट का रूट से, एक तो हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आज जब मैं देख रहा था भाई किन किन देशों से ये इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, जैसा मेरे साथी ने कहा था, गोयल साहब ने कहा था, एक तो आ रहा मॉरिशस से, दूसरा आ रहा टॉप में 34% आ रहा है मॉरिशस से, 17% आ रहा है सिंगापुर से। ये वो देश हैं अध्यक्ष महोदय जो कि इंडियंस के लिए टॉप टैक्स हैवन कंट्री कहलाते हैं। तो ये जो ब्लैक मनी जनरेट हुआ, ये ब्लैक मनी जनरेट करके ये बैक डोर से देश में वापस लाया जा रहा है, ये इन्हीं के पैसे हैं। कंक्लूड करिए अब सोमनाथ जी, इन्हीं के पैसे हैं, प्लीज कंक्लूड। तो फॉरेन ताकतों के साथ मिलकर के देश को बेचने का काम करें अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब मुझे याद है कि जब जब इस देश के अंदर ऐसा कोई भी प्रयत्न किया गया किसी के द्वारा भी, ये चाहे कांग्रेस की सरकार रही, किसी और की सरकार रही, चाहे हमारी सरकार ने जब कभी चाइनीज मांझे की बात करी, तो आज जब बात करी थी कि चाइनीज मांझे को बैन किया जाए, क्यों आए चाइनीज मांझा देश के अंदर, तो आज क्या सांप सूंघ गया बजेंद्र गुप्ता जी को? आज क्या वो समझ में नहीं आ रहा? अब चाइनीज मांझा छोड़ो, पूरे का पूरा देश चाइना को बेचा जा रहा है। अब चाइना के जो प्रोडक्ट्स देश के अंदर आएंगे, जैसा साथियों ने कहा कि वो जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनका कंपटीशन देश में तैयार नहीं किया जा रहा। आप अपने देश के व्यापारियों को, आप अपने देश के एंटरप्रेन्योर्स को आप इक्विप नहीं कर रहे हो उन टैलेंट्स के साथ, उन टेक्नोलॉजी के साथ जिसके साथ वो उनको कॉम्पीट कर सके। तो एक तरह से ये कह दिया जाए कि भाई आपने ये मान ही लिया है कि आपका जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम था, सोमनाथ जी प्लीज एक मिनट में कंक्लूड करिए, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया बन गया है। और आपके जो सारे मंसूबे थे कि भाई देश के अंदर चकाचौंध लाएंगे, तो जुमलेबाजी की पूरी तैयारी हो रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और यहां पे चकमकाहट करेंगे और देश को फिर गुमराह करेंगे कि हमने वो अच्छे दिन जो कहे थे वो ले आए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पॉलिसी का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन की बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाएं, बताएं कि ये जो आपके हृदय परिवर्तन हुआ है, जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आपने देश के साथ गद्दारी की है, कंप्रोमाइज किया देश के इंटरेस्ट को, आप इसको बदलें, इसको रोकें। धन्यवाद।